दोस्तों, कई बार हम लैपटॉप चलाते वक्त कुछ खा पी रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके के तेल के निशान आ जाते हैं हमारे लैपटॉप के ऊपर। तो आज हम उसको एक, ये तो मेरे पास एक ये सादा कपड़ा है और एक ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, तो देखेंगे कि किससे ज़्यादा एफर्टलेसली निशान हटते हैं। मतलब मैं कम इसमें जोर लगाऊंगा और हम देखेंगे कि कौन से वाले कपड़े से जल्दी हटते हैं बिना किसी जोर के, क्योंकि जो इसकी स्क्रीन होती है वो काफ़ी डेलिकेट होती है, तो इसलिए उस पर जोर नहीं लगाना होता। तो हम ये देखेंगे कि माइक्रो फाइबर क्लॉथ खरीदने का कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं, या फिर सिर्फ आम कपड़े से भी हम इनको साफ़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास स्क्रीन क्लीनर है, अब मैं इसको इसके ऊपर छिड़कता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि माइक्रो फाइबर से जल्दी ये दाग हटते हैं या फिर जो है आम कपड़े से। अभी ये देखिए, ये आम कपड़ा मैं लेता हूँ और इसको ऐसे यहाँ पे हल्के हाथ से करता हूँ, तो दाग आप देख सकते हैं बिल्कुल हट चुके हैं इस पे से। और वहीं अब हम माइक्रो फाइबर वाला क्लोथ लेते हैं और उससे ये दाग हटाने की कोशिश करते हैं। ये माइक्रो फाइबर वाला क्लॉथ है और अब इसको इस तरह मैं फेरता हूँ और देखते हैं इससे कम एफर्ट लगता है या कुछ। तो आप देखिए, दोनों के साफ़ करने में थोड़ा सा फर्क होता है। अभी ये आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, पर जब आप स्क्रीन साफ़ करेंगे तो दिखाई देता है। इससे देखिए, एक निशान से बन गए हैं जो आम कपड़ा है, पर जो ये माइक्रो फाइबर वाला क्लॉथ था इससे कोई निशान नहीं आए, हमारे सरफेस के ऊपर कोई भी निशान नहीं आए, क्योंकि जो एंटी ग्लेयर एक लेयर होती है स्क्रीन के ऊपर उसमें ये निशान देखते हैं अगर हम आम कपड़े से साफ़ करते हैं तो। पर जब भी हम माइक्रो फाइबर क्लॉथ से साफ़ करते हैं स्क्रीन क्लीनर की मदद से, तो कोई भी निशान नहीं आता। तो इसीलिए माइक्रो फाइबर वाला क्लॉथ यूज़ करना ज़्यादा सही है, पर इतना भी बेनिफिट नहीं होता मेरे हिसाब से। तो आम कपड़े से भी कर सकते हैं अगर हम थोड़ा कपड़ा और अच्छा ले, तो जैसे कोई और सूती कपड़ा ले तो उससे भी काम चल सकता है। बाकी आप अपनी जितनी भी राय है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।